हाय एवरीवन, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी पैक्ड फूड खाते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि FSSAI का एक लोगो होता है, एक मार्क होता है। वो डिसाइड करता है कि आपका फूड एक हेल्दी प्रोडक्ट है या फिर नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर वो लोगो नहीं है तो समझ जाइए कि वो अनहेल्दी है। अभी डिसाइड कौन करता है कि हेल्दी है या फिर अनहेल्दी? जी हाँ, ये डिसाइड करता है एक फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर काम होता है कि एनालाइज करना, सब चेक करना, टेस्ट करना किसी भी प्रोडक्ट के जो कि फूड बेवरेजेस के अंदर आता है और जिसे हम कंज्यूम करते हैं, वो सारे टेस्ट होके आते हैं। फूड इंस्पेक्टर जिन्हें टेस्ट करता है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर हो सकते हैं, जो फूड इंडस्ट्री होती है या फिर डेयरी फार्म्स हो सकते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ चेक जो करता है, रेस्टोरेंट्स के अंदर ये काम करते हैं फूड इंस्पेक्टर्स। अब बी फार्मेसी या फार्मा डी के बाद आप कैसे फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, ये इस वीडियो में जानेंगे। फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्लस टू के बाद ग्रेजुएशन होनी चाहिए और प्लस टू में आपने PCM या फिर PCB अगर ले रखी होगी, अगर मैं सिंपली कहूँ तो मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल। तो अगर आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल से करी है तो आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। और इसके अंदर आपने किसी भी फील्ड के अंदर ग्रेजुएशन करी हो, चाहे वो साइंस के अंदर आती हो, BSc हो, BTech के अंदर हो, डेयरी के अंदर हो या फिर बी फार्मेसी या फार्माडी हो, तो आप यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपको यहाँ पर 1.5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1.5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। ये एक एलिजिबिलिटी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 18 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक होनी चाहिए और अलग अलग स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कहीं पर 18-25 होता है, किसी स्टेट के अंदर 18-35 होता है, किसी स्टेट के अंदर 18-45 होता है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि स्टेट में हो तो वहां पर आप इसे देख सकते हो। फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको फार्मेसी के बाद एक रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट लेगी UPSC, ऑल इंडिया फूड इंस्पेक्टर एग्जाम। नेशनल लेवल पर ये एग्जाम दिया जाता है। ये 150 मिनट्स का एग्जाम होगा जिसके अंदर आपको GK से रिलेटेड क्वेश्चंस, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाएगा। एक बात ध्यान रखें कि इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपको जो सिलेबस है आपको प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर के काफी सारे रोल्स होते हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में जाना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाना या फिर डेयरी फार्म्स को विजिट करना, वहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट करना, काफ़ी सारे टेस्ट वो करवाते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। और इसके अंदर सबसे मेन बात आती है कि आप सेफ प्रोडक्ट्स खा रहे हो कि नहीं, जो ये डिसाइड कर रहे हैं सब फूड इंस्पेक्टर्स कर रहे हैं। तो हमारी हेल्थ के ऊपर फूड इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम आप सूटेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी सारे बॉयज़ होंगे, काफ़ी सारी गर्ल्स भी होंगी जो कि चाहती होंगी कि हम फूड इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, और सूटेबिलिटी में दोनों ही कैटेगरी आ जाती है। चाहे आप बॉयज़ हैं चाहे आप गर्ल्स हैं, दोनों के लिए सूटेबल है कि आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी जेंडर से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो फूड इंस्पेक्टर एक काफ़ी अच्छी जॉब है, हेल्थ से रिलेटेड जॉब है, फूड से रिलेटेड जॉब है। अगर आप हेल्थ के अंदर या फूड में इंटरेस्टेड हो तो आप इस जॉब के लिए जा सकते हो। अब फूड इंस्पेक्टर के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे क्वालिटी इंस्पेक्टर, फूड टेक्नीशियन, फूड क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, फूड साइंटिस्ट और डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट। अब अगर आप डेयरी के ही सिर्फ बात कर रहे हो, डेयरी फार्म से रिलेटेड जो इतने भी फूड्स बनते हैं उसी में अगर आपकी स्पेशलिटी है तो आप डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बन जाओगे। तो ऐसे से काफ़ी सारे इसके सब टाइप्स आते हैं। रोल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर के 3 लेवल आते हैं। पहला होता है फूड सब इंस्पेक्टर, जो कि जूनियर लेवल होता है। उसके बाद आता है फूड इंस्पेक्टर और लास्ट में आता है सीनियर फूड इंस्पेक्टर। इन तीनों के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं रोल्स के, कि आपको किस रोल के अंदर जाना है और आप एज ए फ्रेशर आप यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करोगे। अगर आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो भी आपके लिए फूड इंस्पेक्टर एक काफ़ी अच्छी जॉब हो सकती है, जिसमें आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, अलग अलग डेयरी फार्म्स के अंदर, अलग अलग ऑफिस में, रेस्टोरेंट्स में, जहाँ पर बेवरेजेस या फूड से रिलेटेड काम होता है वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो क्वालिटी को। और अगर हम बात करते हैं आप सैलरी की, तो सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर वो कोई भी जॉब चाह रहा है। तो फूड इंस्पेक्टर की सैलरी सबसे बेसिक लेवल पर 20,000 होती है, 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में एज अ फ्रेशर आपको मिल सकती है। ये सैलरी होगी प्राइवेट के ऊपर। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात करें तो ये सैलरी 35,000 से लेकर 45,000 के बीच में आपको मिल सकती है। डिपेंड करता है फिर आपका अलग से स्टेट कौन सा है या फिर स्टेट में आपको कहाँ पर काम मिला जा रहा है, आपकी लेवल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सैलरी बढ़ती रहेगी। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि मुझे फूड इंस्पेक्टर बनना चाहिए या फिर नहीं, तो आप इसी टाइम पर आप चेक कर सकते हो इंटर्नशिप्स लेकर और ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करके। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इंटर्नशिप्स अवेलेबल होती हैं फूड इंस्पेक्टर्स के लिए। अगर आपको फूड इंस्पेक्टर बनना है या नहीं बनना आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप इंटर्नशिप ले लीजिए। इंटर्नशिप से आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाएगा
और साथ ही साथ में आप डिसाइड कर पाओगे कि ये करियर मेरे लिए बना है या फिर नहीं। और आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड एंड न्यूट्रिशन, कुछ ऐसे कोर्स अगर आप कर लोगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका फूड इंस्पेक्टर बनने का जो जॉब टाइटल है वो आपको जल्दी मिल जाए। काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि भैया हम फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं क्या, हम बी फार्मा के बाद, क्या हम फार्मडी के बाद फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप फार्मेसी के बाद फूड इंस्पेक्टर बन सकते हो, जो कि एक रेप्यूटेड प्रोफेशन है, और आप फार्मेसी के बाद इस प्रोफेशन में जा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऑसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।